प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्या, कुछ कह रहे हैं? जहां पे टाट पट्टी पर बैठ के बच्चे पढ़ते थे, ऐसे सरकारी स्कूल जहां पे टॉयलेट के इंतजाम नहीं होते थे, ऐसे सरकारी स्कूल जहां पर लैब नहीं होते थे, ऐसे सरकारी स्कूलों में आज एयर कंडीशन कमरे बनवाने का काम, स्विमिंग पूल का निर्माण कराने का काम, एथलीट और हॉकी के ग्राउंड बनाने का काम, विश्व स्तरीय शिक्षा देने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में किया। और इसका भी सबसे ज्यादा फायदा समाज के दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को हुआ। दिल्ली की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की। और पहले जाकर पूछ लीजिए, मजदूर वर्ग की माताएं बहनें जो मजदूरी का काम करती थी या दूसरे के घरों में जाकर काम करती थी, उनका महीने का 1000-1500 रुपए सिर्फ और सिर्फ बस के किराए में खर्च होता था। एक ऑटो वाले की बेटी, एक रिक्शे वाले की बेटी, एक झुग्गी में रहने वाले की बेटी, स्कूल और कॉलेज अगर उसको बस से जाना पड़ता था तो बाप को अपनी जेब देखनी पड़ती थी कि किराए का इंतजाम है कि नहीं है, बेटी हमारी कॉलेज बस से जा पाएगी या पैदल जाना पड़ेगा। केजरीवाल जी की सरकार ने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा जब फ्री की तो सबसे ज्यादा इसका फायदा समाज के गरीब तबके को, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े समाज के लोगों को हुआ। दिल्ली की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण करती है, 200 तरह की जांच वहां फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवा फ्री होती है, इलाज फ्री होता है, 30 दिन के बाद अगर ऑपरेशन की डेट मिल रही हो तो सरकारी अस्पतालों के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ऑपरेशन करा लो, पैसा केजरीवाल जी की सरकार देती है। इसका भी सबसे ज्यादा फायदा समाज के वंचित वर्ग को, शोषित वर्ग को, गरीब तबके को हुआ। तो बहन जी से मैं कहना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मायावती जी आप कृपा करके जाइए दिल्ली, जाइए झुग्गी बस्तियों में, जाइए वहां पे जो अनऑथराइज कॉलोनीज के एरिया है वहां पर जाइए, जाइए दिल्ली के लोगों से मुलाकात कीजिए और पूछिए कि दिल्ली की सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बना रही है या नहीं बना रही है। दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने कहा हम सरकारी स्कूलों में बाबा साहब का संविधान पढ़ाएंगे, हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं, हम सरकारी स्कूलों में संविधान की शिक्षा दे रहे हैं, देश की पहली सरकार है। लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि आज आप इतनी बड़ी रैली में, स्वर्गीय कांसीराम जी की स्मृति में जो रैली का आयोजन हुआ उसमें आप आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए काम कर रही है, आम आदमी पार्टी जो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का काम कर रही है, आम आदमी पार्टी जो बाबा साहब का संविधान सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का फैसला लेती है और समाज के वंचित, शोषित, दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए काम करती है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। जाइए और दिल्ली के केजरीवाल मॉडल को देखिए, उसका अध्ययन कीजिए, तब सवाल खड़ा कीजिए। और यहां पर यूपी आप प्रभारी संजय सिंह को आप